हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन, मैं केशव शर्मा, सारे गामा पा। मैंने सुबह ही बोला था कि भाई इसके रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और मैंने ये वादा किया था आपसे कि मैं आपके लिए ऑडिशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बताऊंगा, उसका लिंक बताऊंगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। दूसरा, मेरे को एज कन्फर्म नहीं हुई है बट मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, जो एज क्राइटेरिया है 15 साल से ऊपर आपकी अगर एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो लिटिल चैंप आएगा, सारे गामा पा लिटिल चैंप, उसके अंदर जो बच्चे उनके लिए ऑडिशंस या रजिस्ट्रेशन होंगे, बट ये वाला है जो गाइज ये सारे गामा पक्का है। तो अभी बाकी कुछ चीज़ें जो भी होंगे मुझे पता चलेंगी, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, उसको कैसे फिल करना है वो हम जानेंगे। दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं गाइज ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ये ऑफिशियली वेबसाइट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फेक है, नहीं गाइज ऑफिशियली वेबसाइट है। अगर आपको कंफर्म करना है तो जो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी आज सुबह, उस पर जाइए। उसमें जो मैंने नंबर दिया है, उस नंबर पे जैसे आप मिस कॉल करते हैं तो सारे गामापा के जो एडिटर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो आपको मैसेज करते हैं और मैसेज में यही लिंक आपको देते हैं कि भाई सारे गामापा ऑडिशन Z5 का लिंक देते हैं और आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म, और एक वीडियो मैं मोबाइल से भी बना दूंगा, जिन लोगों को मोबाइल से फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म कर सकते हैं। और जो लोग थोड़े से समझदार हैं, जो कंप्यूटर से देख के मोबाइल में फिल कर सकते हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी वीडियो आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि मैंने फॉर्म फिल किया था तो इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इधर हमारे दो जाने माने काफ़ी पॉपुलर होस्ट, इधर उनकी फ़ोटो आ रही है, सारे गामा पा का ये लोगो इधर नज़र आ रहा है और सपनों की शुरुआत ऑडिशन ओपन कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है। सबसे पहले इधर आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना वही नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे इनको ऑडिशन के वक्त। जो भी नाम है, अगर सरनेम के साथ है तो सरनेम डालिए, अगर विदाउट सरनेम है तो विदाउट सरनेम डालिए, इसमें गलती मत करना। फ़ोन नंबर आपका अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर होना चाहिए और वो नंबर जो आपका लग जाए, ऐसा नहीं कि ऐसा नंबर दे दो कि कॉल ही ना हो। और फ़ोन नंबर में आपको गाइस +91 नहीं लगाना, ये याद रखना, कहीं +91 कंट्री कोड लगा के इधर नंबर डालो, नहीं, आपको सिंपली अपना 10 डिजिट का नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस आपको वही रखना है जो आपका खुद का पर्सनल है ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके अगर आपका सिलेक्शन हो तो। ईमेल एड्रेस भी कंपलसरी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर स्टार बनाए ये कंपलसरी होते हैं, ये मतलब आपको भरनी है और गलत नहीं भरनी है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आप इधर एज डाल दीजिए, जो भी आपकी एज है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी कि भाई मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, नहीं, आप 20 साल के तो 20 साल डालिए, 21 साल के तो 21 साल, 12 साल के 12 साल के तो ले भी नहीं सकते। अगर आपकी एज जितनी भी एज है आपकी 12-13, इधर गाइज आप अपनी एज डालिए, जितनी भी एज है आपकी 15-16-17, आपको सिर्फ वही डालना है ऐसे करके, जैसे मैंने 14 डाला 15 डाला, कुछ भी आप इधर डाल सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं डालना कि भाई पहले डेट डालनी है फिर मंथ, ऐसा नहीं, सिंपल आपको डालना है। जेंडर आप देख सकते हैं मेल फीमेल अदर जो भी हैं आप वो डालिए। सिटी अपनी डालिए, जो भी आपकी सिटी है जहाँ पर आप रहते हैं, और स्टेट डालिए, आपका सिटी और स्टेट दोनों डालना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वीडियो अपलोड करने का। आप देख सकते हैं इधर आपको वीडियो अपलोड करनी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कंप्यूटर का वो आ जाएगा, जो भी आपकी वीडियो होगी सिलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पर पड़ी है तो डेस्कटॉप पर, जहाँ पर भी पड़ी है आपको इधर अपलोड कर देनी है। वीडियो आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम 90 सेकंड की होनी चाहिए या इससे ज़्यादा की आप वीडियो मत रखना, यानी कि ये लगभग 1.5 मिनट हो चुका है। और जो मैक्सिमम साइज़ है वीडियो का 50 MB से ज़्यादा का मत रखना। और आगे देखिएगा इस फॉर्मेट MP4 रखना, क्योंकि अगर आप फ़ोन से शूट करते हैं वीडियो को तो MP4 में अपने आप ही बनती है, बाकी आप कैमरे से करते हैं तो इन वाले फॉर्मेट में आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि MP4 हो या AVI हो, VM हो, इसमें चल जाएगा, तो आपको सही से वीडियो शूट करनी है। उसके बाद अपनी जो गाना गाती हुई वीडियो, आप देख सकते हैं इधर नीचे लिखा हो मैक्सिमम 2 वीडियोस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम एक वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, बिल्कुल कर सकते, इसने बोला मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक वीडियो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 वीडियो अपलोड कर सकते हैं और कम से कम आप 1 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब जो लोग 2 वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और जो लोग 1 वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 3 वीडियो वाले इसमें 3 वीडियो अपलोड मत करना, नहीं तो आपका वीडियो अपलोड नहीं होगी। एक चीज़ और बोलिए इधर, वंस द वीडियोज़ आर सबमिटेड, अगर आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दी या फिर सबमिट कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
जब आप वीडियो अपलोड कर देते हैं सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इतना सा आपको काम करना है। और जो ये फॉर्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। बाकी गाइज जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी फॉर्म फिल करने में, मैं उनके लिए फ़ोन से भी वीडियो बना के दिखा दूंगा कि भाई कैसे फॉर्म फिल करना है। और आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है वो है एज क्राइटेरिया को लेकर के, भाई एज क्राइटेरिया क्या है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि 15 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनकी एज 15 से ऊपर है। बाकी गाइज कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर, आप किसी भी एज क्राइटेरिया का ऑप्शन इधर दिखा रहा है तो हो सकता है कि भाई 11, 12, 10, 9 साल के बच्चे भी इसको फॉर्म को फिल कर सके। बाकी जो लोग 15 से नीचे हैं वो भी एक बार फॉर्म फिल करके देखिए, ट्राई करके देखिए, अगर आपका हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोग भी इस शो के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अगर एज का कोई क्राइटेरिया होता तो ये मेंशन जरूर करते कि भाई इतने साल के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं या जो भी है, तो इधर मेंशन नहीं किया हुआ तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाई किसी भी एज के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी और भी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, चाहे सिंगिंग से हो, डांसिंग से हो, वो सब अपडेट आपको बताता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।